धनिया प्याज टमाटर से कर दिया श्रृंगार और ये हो गया भाई अपना नायलॉन सेव पूरी बनकर के तैयार। तो गाइस नागपुर की गलियों में मैं आज आपको लेकर के आ चुका हूँ गांधी बाग एरिया में सूट मार्केट के अपोजिट बॉम्बे भेलपुरी चाटपुरी सेंटर और यहाँ आज हम देखने वाले हैं नायलॉन सेव से बनती हुई नायलॉन भेलपुरी और सेवपुरी। तो गाइस वीडियो को एंड तक के देखना, मजा आ जाएगा। तो भाई लोकेशन मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर जो है सबसे पहले अपनी बन रही है नायलॉन भेलपुरी। सबसे पहले मुरमुरे ले लिया, इसके अंदर चले गए थोड़े से आलू डाल दिए, अब आ गया प्याज और धनिया और अब इसके अंदर जा रहा भाई टमाटर, ये डाल दिया भाई थोड़ा सा नमक और अब पूरी चटनी आ जाएगी, बहुत चटपटा बनता है ये। सबसे पहले चले गई पुदीने की चटनी और फिर उसके बाद में डाल दिया थोड़ा सा लाल मिर्च की चटनी और ये आ गया भाई इसके अंदर थोड़ा सा इमली वाली चटनी, बहुत ही चटपटा बनता है एकदम, पूरी जो चटनी वगैरह डाल रखी रहती है ना। अब इसको कर दिया भाई अच्छे तरीके से मिक्स, देख लो ये देख लो भाई कितना ही सही सेव है, बहुत बारीक है ये इसीलिए इसका नाम नायलॉन रखा हुआ है। और ये देख लो अब ये ले लिया थोड़ा सा सेव और ये चले जाएगा भाई पूरी की पूरी बेल के ऊपर। 30 से ज़्यादा साल हो चुके हैं भैया को यहाँ पर ये नायलॉन भेलपुरी और नायलॉन सेव पूरी सेल करते हुए। इसके बाद मैं सेव पूरी भी दिखाऊंगा, ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा प्याज और धनिया और ऊपर से आ गया टमाटर। अब डालेंगे भाई ये जो पपड़ी रहती है ना, ये मैदे की भाई पपड़ी बहुत ही डिलीशियस रहती है क्योंकि ना इसके पूरा मसाले वगैरह सब कुछ डाले रहते हैं। अपनी यहाँ पर भेल बन करके तैयार है और अब जो अपना लगने वाला है यहाँ पर सेव पूरी और मैं सेव पूरी में ना अपने गोलगप्पे वाली भी पूरी लगवा रहा हूँ और साथ में जो इनकी मैदे की जो पपड़ी है ना वो भी लगवा रहा हूँ क्योंकि मैदे की पपड़ी ना बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि इसमें ना जो नमक मसाले रहते हैं ये सब पहले से आटे के अंदर एडेड रहते हैं जिससे ना बहुत ही एनहांस फ्लेवर आता है। 3 पूरी मैंने गोलगप्पे की ले लिया, 3 ले लिया भाई ये पपड़ी। गोलगप्पों के अंदर सबसे पहले आलू डाल दिया और अब ये पपड़ी के ऊपर मैं जा रहा है पूरा का पूरा आलू, ये भी जो रहता है इसका भी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ रहता है। और अब जो है इसके ऊपर चलेगा भाई थोड़ा सा प्याज और साथ में थोड़ा सा धनिया, भाई अगर इंडियन डिश है अगर इंडियन चाट है तो भाई धनिया तो डालना ज़रूरी है। अब जो है इसके ऊपर जाएगा भाई पूरे के पूरे पूरी के ऊपर चलाएगा टमाटर, अब जाएगा भाई इसके अंदर थोड़ा सा ये डाल दिया नमक डाल दिया, नमक के बाद में अब जो पूरी की पूरी चटनी आ जाएगी। सबसे पहले चलेगा भाई ये पुदीने की चटनी, पुदीने का जो फ्लेवर रहता है ना इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अब ये चलेगा इसके अंदर लाल वाली मिर्च वाली चटनी, लाल मिर्च की भी जो चटनी रहती है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी रहती है क्योंकि इसमें ना गार्लिक का भी थोड़ा सा तड़का पड़ा हुआ रहता है, बहुत स्पाइसी चटनी रहती है। अगर स्पाइसी पसंद है ज़रूर से चटनी एक्स्ट्रा डलवाना। ऊपर से आ गई भैया थोड़ी सी इमली की चटनी, इमली की चटनी चले जाएगी भाई पूरी की पूरी छः पूरियों के ऊपर, जो छः पूरी रहती है ना इसमें मैं अभी भी बता रहा हूँ मैंने 3 लगवाई है गोलगप्पे वाली और 3 लगाई है जो मैदे वाली पपड़ी रहती है क्योंकि देखते हैं भाई दोनों का टेस्ट कैसा रहेगा। तो गाइस नेक्स्ट जो इसके ऊपर जाने वाला अपना मेन आइटम जिसको कहते हैं भाई नायलॉन वाला सेव, या नायलॉन वाला सेव चलेगा भाई पूरी की पूरी पूरियों के ऊपर में। और एक बात बताओ तो इसमें जो सेव रहता है ना ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डालता है बेल से, ये देखो भाई पूरे के पूरे ना गोलगप्पे और जो पूरियाँ थी ना उसको ढक दिया लिटरली। इसके ऊपर चलेगा भाई थोड़ा सा हरा धनिया और प्याज, ये ऊपर से आ गया थोड़ा सा टमाटर और ऊपर से आ गया नमक। तो भाई अपना सेव पूरी बन करके तैयार है, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ प्राइस है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट है कैसा। ये जो है ना मेरी यहाँ पर भेल बनकर के तैयार है नायलॉन भेल। अब मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि जो नायलॉन इसको क्यों बोलते हैं, ऊपर से जो सेव है ना वो बिल्कुल नायलॉन के जैसे का रहता है। अब अपन निकालते हैं बाइट और टेस्ट करके बता दो कैसे। ऊपर से ना थोड़ा सा नायलॉन नायलॉन ही है, नीचे से पहले निकालते हैं भेल क्योंकि जो इसमें चटनी वगैरह डाली है ना वो तो भाई भेल वाले पार्ट में डाली है, पकड़ी वगैरह सब कुछ डाली है। अब इसको टेस्ट करते हैं भाई, पहली चीज़ तो जो सेव है ना बहुत ज़्यादा बारीक है, इसलिए उसका नाम नायलॉन रखा, थोड़ा सा स्पाइस लेवल भी एकदम सही है, मसालेदार एकदम। ये मैं इसको खत्म करता हूँ और इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर ना सेव पूरी कैसे बनती है। ऊपर से ना पहले आपको सेव दिखाता हूँ, ये देख लो भाई पहले ना जो यहाँ का जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सेव पूरी, जिनकी पपड़ी जो रहती है ना ये मैदे की भाई मैं पास आ जाए, ये देखो जो मैदे की पपड़ी रहती है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर थोड़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी रहती है, इसके ऊपर चटनी वगैरह सब डाली हुई थी। टेस्ट करता हूँ आपको बताता हूँ कि है कैसा कैसा है भाई, सच बताओ स्वाद आ गया। एक चीज़ बोलूँगा अगर आप तो इसको एंजॉय कर रहे हैं ना तो ये ऐसे देख के मत खाना कि भाई इतना गिर रहा है उतना रहा है खाना है, तो भाई यही तरीका है इसका खाने का। ये दूसरा अब ये गोलगप्पा वाली पूरी ये देखो भाई, इसके ऊपर भी ना थोड़ा सा सेव डालूगा यार गिरने तो क्या हो रहा है, ये डाल दिया भाई थोड़ा सा सेव इसको देखो। ये है वो आइटम जिसको खा करके आपके मुँह से एक ही चीज़ निकलेगी, मुँह जैसा है रेंदो स्वाद आ गया। अगर आपको खाना है तो आना पड़ेगा कहाँ पर, ये देख लो बॉम्बे भेल चौपाटी सेंटर के एरिया, ये सूट मार्केट के पास में लोकेटेड है। 30 रुपीज़ प्राइस है हमारे दोनों आइटम का। अगर आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर है तो फॉलो कर लो, देखो किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय।